तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर गया हूँ, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, ये जो हम आपके लिए सीरीज लेकर गए हैं, ये एमएमसी प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर गया हूँ, ये हमारा जो टॉपिक होने वाला है, ये एमएमसी प्रोग्रामिंग के ऊपर। जैसा कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट लोगों ने कहा था कि सर आपने सॉफ्टवेयर के बारे में तो मुझे बहुत सारी वीडियो दिया हुआ है, लेकिन प्रोग्रामिंग के ऊपर काफ़ी वीडियो हमारे चैनल पे नहीं थी, या एक एक करके मैंने काफ़ी वीडियो डाला भी था बीच में कि कैसे ISP पिनआउट से लॉक खोला जाएगा, या कैसे मोबाइल फ़ोन को प्रोग्राम किया जाएगा, कैसे MMC IC को चेंज किया जाएगा, इन सभी चीज़ों को लेकर के मैंने आपको वीडियो दिया हुआ था। लेकिन अब मैं जो वीडियो लेकर के आया हूँ, ये पूरा सीरीज लेकर के आया हूँ कि पूरा आपको MMC का जो टॉपिक है वो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ, ताकि आप सभी लोग इन सब चीजों के बारे में सीख सकें और अच्छे तरीके से काम कर सकें। जो लोग ऐसे हैं जिन लोगों को सॉफ्टवेयर हैं लेकिन वो MMC को प्रोग्राम नहीं कर पाते, तो आज उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो लोग, अगर मैं 10 12 15 20 वीडियो देने वाला हूँ, कि इस 15 20 वीडियो के माध्यम से वो लोग सीख सकते हैं कि कैसे ICU को प्रोग्राम किया जाएगा, ICU को प्रोग्राम करने का तरीका क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो देने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहां पर आपको मोबाइल फोन या लैपटॉप है इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स आपको सिखाए जाते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग होती है, पूरे सभी मोबाइल फोन के बारे में, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, उसको रिपेयर करना, उसको प्रोग्राम करना, सभी तरह की जो प्रॉब्लम आती है सभी चीजों के बारे में सिखाया जाता है। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, ये MMC प्रोग्रामिंग के ऊपर होने वाला है। तो हम लोग MMC प्रोग्रामिंग के बारे में एक एक करके सभी चीजों के बारे में सीखेंगे, समझेंगे और देखेंगे कैसे ICU प्रोग्राम करने की प्रॉब्लम आती है, उनको कैसे हम लोग रिपेयर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं MMC। सबसे पहली बात क्या, MMC IC जो होती है, जितने भी मोबाइल फोन हैं सभी मोबाइल फोन में लगी होती है। अगर एंड्रॉयड मोबाइल फोन की बात करेंगे तो एंड्रॉयड मोबाइल फोन में MMC IC का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर होता है, जो सॉफ्टवेयर स्टोर होता है, वो MMC IC के अंदर स्टोर होता है। और MMC IC को पहचानने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। MMC IC जो भी हमारे मोबाइल फोन होते हैं, सारे मोबाइल फोन के अंदर CPU के पास में जस्ट लगी होती है, CPU के पास में लंबी सी लगी होती है। MMC IC की पहचान, MMC IC को हम लोग कैसे पहचानेंगे, जो भी हमारे पास मोबाइल फोन पाए जाते हैं सभी मोबाइल फोन में MMC IC CPU के पास लंबी सी लगी होती है। तो MMC IC CPU के पास में लंबी सी लगी होती है। कहां पर लगी होती है? CPU, जहां पर भी मोबाइल फोन के अंदर CPU IC लगी होती है, जस्ट CPU IC के पास में लगी होती है MMC IC। ये कैसी होती है? थोड़ी सी आयताकार शेप में होती है। अच्छा, MMC IC को बनाने के कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो MMC को बना रही है और हमारे मोबाइल फोन में लगी होती है, उसमें कुछ लिखा भी होता है। अगर आप देखेंगे तो उसमें से कुछ प्रिंटिंग भी होती है, जैसे MMC IC में लिखा होता है किंगस्टन, किंगस्टन कंपनी की MMC IC आती है, स्कैन डिस, माइक्रोन, तोशीबा, हाइनेक्स, साइनेक्स, KMO2 या चाइनीज MMC, बहुत सारी अलग अलग तरीके की लगी होती हैं। तो MMC IC का काम होता है, मोबाइल फोन में जो भी हमारा सॉफ्टवेयर स्टोर होता है वो सॉफ्टवेयर हमारा कहाँ पर स्टोर होता है? MMC। अगर MMC की बात करेंगे तो जब आप मार्केट में मोबाइल फोन लेने जाते हैं तो मार्केट में कहते हैं, भाई आपका मोबाइल फोन कौन सा लेना है? 16 GB का लेना है, 32 GB वाला लेना है, 64 GB वाला लेना है, 128 GB वाला लेना है, 256 GB वाला लेना है। मतलब आप कौन सा स्टोरेज लेना चाहते हैं? 16 GB का लेना चाहते हैं कि 32 GB का लेना चाहते हैं, 64 GB का लेना चाहते हैं, 128 GB का लेना चाहते हैं, 256 GB का लेना चाहते हैं? मतलब आप जो MMC IC लेना चाहते हैं, कौन सा MMC IC वाला, मतलब MMC IC लेने का मतलब ये नहीं, मेरा कहने
मतलब जो मार्केट में आप मोबाइल फोन लेने जाते हैं तो वो आपको वेरिएंट स्टोरेज वेरिएंट के हिसाब से मोबाइल फोन दिखाते हैं कि मतलब कौन सा चाहिए, 3 16 चाहिए, 3 32 चाहिए, 4 64 चाहिए। तो ये जो 4 64 16 32 128 जो जिक्र किया जा रहा है ये तुम्हारे स्टोरेज के बारे में चेक किया जा रहा है। ये स्टोरेज ही हमारी एमएमसी आईसी होती है जहां पर हमारे मोबाइल फोन का पूरा सॉफ्टवेयर हमारा स्टोर होता है। तो हम लोग जो सीख रहे हैं ये टॉपिक हमारा एमएमसी प्रोग्रामिंग के ऊपर है, लेकिन एमएमसी की पहचान मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उन सब चीजों के बारे में अच्छे से समझ सकें। अब चलिए हम लोग बात करेंगे एमएमसी प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका सिलेबस के बारे में आपको गाइड कर देता हूं कि एमएमसी प्रोग्रामिंग क्या क्या सारी चीजें सीखने वाले हैं, कैसे आप इसको सीखेंगे। एमएमसी के बारे में सबसे पहली बात मैं आपको सिखाने वाला हूं कि एमएमसी क्या चीज है, एमएमसी क्या है पहला। दूसरी बात क्या है, मोबाइल फोन के अंदर एमएमसी और यूएफएस दोनों चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो एमएमसी यूएफएस क्या है, मोबाइल फोन में एमएमसी लगी तो कैसे पहचानेंगे, यूएफएस लगा तो उसको कैसे पहचानेंगे, आखिर एमएमसी और यूएफएस में फर्क क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे प्रोग्रामर टूल, मतलब प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या क्या टूल आते हैं, कौन कौन से ऐसे टूल आते हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग करने की जरूरत पड़ती है, या उनको हम लोग इंस्टॉल कैसे करेंगे, या प्रोग्रामिंग टूल कितने का आता है, उस प्रोग्रामिंग टूल में क्या क्या सारी चीजें होती हैं। तो सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि प्रोग्रामिंग टूल, क्योंकि एमएमसी का मतलब उसको प्रोग्राम करना, प्रोग्राम करने का मतलब प्रोग्रामिंग टूल के बारे में जानकारी होना। तो हम लोग प्रोग्रामिंग टूल क्या है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आईएसपी पिन आउट क्या होता है,
पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, आप कितनी है? और ये हरदोई से रहने वाले हैं, हरदोई पढ़ता है ना तुम्हारा? जी सर, हरदोई। ये हरदोई के रहने वाले हैं और आज मैं बताना चाहता हूँ कि इनके मोबाइल फोन रिपेयरिंग की शॉप को समथिंग 2-3 महीना हो गया ओपन किए हुए, पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग ठीक है। और आज जो मेरे पास आए हैं, ये अपना मार्केट से पहले जब दुकान खोली थी, तो दुकान खोलने के बाद इनके पास कुछ बेसिक इक्विपमेंट थे, जैसे फाटगन थी, सेपरेटर था, आयरन कैया, मतलब जो भी जनरली सामान आता है रिपेयरिंग का, वो सामान ले लिया, चार्जिंग कनेक्टर, माइक, स्पीकर, रिंगर ले लिया। लेकिन अब ये अपने यहाँ पर एरिया में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, इनको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है कि मतलब जहाँ पर पहले सीखने जाते थे अपने लोकल में, आज वहाँ के मोबाइल फोन इनके पास रिपेयर होने के लिए आते हैं। तो आज यहाँ पर आकर के अपना मार्केट से पूरा इन्होंने आईसी का सामान खरीदा है, मतलब जैसे आईसी को सामान रिपेयर करने का मतलब है, दिखा दीजिए ले आए, दिखा दीजिए। हाँ बिल्कुल, आप एक साथ ही यहाँ रखा हुआ, मैं सबको दिखा दूंगा। तो पूरा सामान लिया हुआ है और माइक्रोस्कोप लिया हुआ है और जो पीसीबी स्टैंड आते हैं अच्छी क्वालिटी के, एमएमसी को रिवॉल्व करने के लिए प्रॉपर स्टेंसिल हो गया, पीपीडी हो गया, बहुत अच्छा वाला पेस्ट हो गया, मतलब आईजीओ का काम करने का जो भी सारा सामान होता है, कम से कम तकरीबन कितने तक का होगा समथिंग लिया है टोटल? लगभग वो सामान पड़ा है 25,000 तक का। 25,000 रुपए का, मतलब पहले हमारे पास बच्चे कहते थे सर मैं आईसी का काम करूंगा तो 25,000 रुपए का सामान खरीदना पड़ेगा क्या, 20-25,000 का। लेकिन आज जब बच्चे काम करते हैं और काम करने के बाद उसकी इनकम को देखते हैं तो वो लगता है कि हमको ये सामान लेना चाहिए और इसके माध्यम से हमको काम करना चाहिए। तो आसिफ जी आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करिए, क्या क्या सामान लिया है और आप कैसा काम कर रहे हैं, हमारी तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है, ताकि और भी लोग जो वीडियो देख रहे हैं अगर आना चाहते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर में आ सकते हैं। एक बार और मैं आपको कहना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से कि जितने भी सारे बच्चे जो लोग सीख करके चले जाते हैं तो उनको सीखने का मतलब नहीं होता कि एक स्टूडेंट के हमेशा दरवाजे बंद हो जाते हैं, सीखने के बाद ही तो हमारा काम स्टार्ट होता है, सीखने के बाद हमारा बच्चा हमारा उसको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है, जिंदगी में कभी भी आ सकता है और हॉस्टल में 1-2 दिन के लिए रहना चाहे तो रह सकता है, उसका कभी कोई पैसा कोई चार्जेस नहीं लगता, वो हमारे घर की तरह आता है। और एक जब बंदा सीख जाता है तो हमारे फैमिली का एक हिस्सा होता है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है कोई दिक्कत आती है तो हमारे यहाँ रह करके सीख सकता है, उसका सपोर्ट ले सकता है, उसका कोई पैसा कोई चार्जेस एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगता। तो आसिफ जी आप बताइए जरा थोड़ा सा अपने बारे में और लोगों को समझाइए। तो मैं यहाँ से काम सीख के गया तो काफ़ी कुछ मतलब यहाँ से नॉलेज मिल गया, आईसी लेवल का काम जो है पूरा सीख गया, इसीलिए मैंने सोचा कि जितने बेहतरीन टूल और जितने मतलब अच्छे टूल होंगे उतने अच्छा आईसी का काम भी होगा। और आप लोग को अगर काम सीखना है आईसी लेवल चिप लेवल का तो सर के पास आप विजिट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे लेवल की जो है सर एक्सप्लेनेशन देते हैं और सारी चीज़ें जो है क्लियर करा देते हैं। बाकी काम करने का एक्सपीरियंस तो है जो हैंड स्किल जो है यहाँ से प्रैक्टिस करते करते आपकी अच्छी हो जाएगी और आप अपने काम में अगर रुचि है तो आप बहुत ही जल्दी इस काम को सीख सकते हैं, कोई इतना कोई टफ काम नहीं है, अगर आप की हैंड स्किल और दिमाग अच्छा है तो आप जल्दी से ही सीख सकते हैं। तो आसिफ जी कितने साल कितने टाइम से थे इस लाइन में आप? मैं सर लगभग 5 महीने हुए, 6 महीने सिर्फ, बस 5-6 महीने। तो 5-6 महीने हो गए आसिफ जी को, आज मोबाइल फोन के अंदर कोई भी आईसी होती है उस आईसी को आसानी से चेंज कर सकते हैं। जी सर जी। और अपने यहाँ पर माइक्रोस्कोप था होने के कारण की वजह से कुछ प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि आंखें हैं भाई, आंखें उतना ही देख सकती हैं, आप जूम करके उनको बाहर निकाल के तो रख नहीं दोगे। तो इसलिए क्या है कि आईसीओ काम करने के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रोफेशनल टूल दिया हुआ है, तो आप अपने टूल दिखाइए ताकि लोगों को लगे कि कैसे मतलब कितना क्या क्या सामान लिया, कैसे नहीं कैसे ही कह रहे हैं। नहीं नहीं सर दिखाएंगे, अभी फोन लेकर के चलिए और सर का जो भी सारा सामान है एक एक करके वॉच कराइए। माइक्रोस्कोप वो डब्बा है उसको खोल देना, वो ले आए। अब बहुत अच्छी बात है क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रोफेशनल टूल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे प्रोफेशनल टूल ही हमारे रिपेयरिंग करने में मदद करते हैं। दूसरी बात क्या है, ये ट्रेनिंग स्टूडियो पड़ता है ये सागर मार्केट में, सागर मार्केट मोबाइल फोन की सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ पर मोबाइल फोन का सारा सामान मिल जाता है, सारे पार्ट्स मिल जाते हैं और सारी चीजें मिल जाती हैं कि अगर आपको कोई सामान ऐसा चाहिए तो उस सामान को यहाँ पर जा करके खुद खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसको सर अलग कर दी, बाकी वो सब टूल ले आइए, फोन यहाँ ले आइए। आर F4 का मैकेनिक का माइक्रोस्कोप दिया हुआ है, मैं आपको पूरा तो नहीं ओपन करूंगा लेकिन फिर भी मैं इतना दिखा देता हूँ क्या क्या सारी चीजें आती हैं। ये क्या चीज है? वो साउंड है डॉग वाली आवाज देके स्टार्ट होता है। अच्छा कुत्ते वाली आवाज है, दिखाना जरा। ये भाई लोगों ने नया गैजेट लिया है।
दुकान को डेकोरेट थोड़ा अच्छा प्रोफेशनल लुक देने के लिए ले लिया। बढ़िया, ये तो मेरी दुकान को सुरक्षा का काम करेगा, नहीं होगा तो कम से कम डर तो पहले ही। मोबाइल इधर ले आइए, ऊपर से दिखा भाई। बड़ा नया आइटम है, और इसके अंदर सारे टूल हैं। इसके अंदर सारे जो आईसी का काम करने के लिए बेसिकली ज़्यादा जो टूल यूज़ होते हैं वो सारे टूल इसमें हैं, जैसे कि ये स्क्रैपर हो गया और ये स्टैंड हो गया, पीसीबी स्टैंड हो गया, और बहुत सारी चीज़ें जैसे ये फ्लेक्स हो गया, ये लाइट हो गई, यूवी लाइट हो गई, ये माइक्रो जम्पर जो हम आईसी में जम्पर करते हैं, माइक्रो जम्पर हो गया, ये सारा सामान आईसी के लिए लिया। अब तुम काम करने के लिए ये एमएमसी हो गया, एमएमसी स्टेंसिल। अभी तुम्हारे पास सारा सामान हो गया, आने चल करके तुम एक आयरन लेना मैकेनिक की अच्छी वाली। जी हाँ, आयरन लेना ठीक है जो देखिए कितना सारा सामान लिया हुआ है। तो इसे कहते हैं कि भाई काम करना है तो बिल्कुल अच्छे से काम करना है, और हम जितने भी कार्य स्टूडेंट लोग होते हैं सब लोगों को पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं, उनको एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में सिखा देते हैं। सिखाने के बाद बच्चों का अपना दिमाग खुद ही खुल जाता है, और ये खुल जाता है कि उनको क्या चीज़ लेना है, क्या लेना है, किससे काम करने वाले हैं, किससे आप रिपेयरिंग करेंगे, क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो जो भी सारे प्रोफेशनल होते हैं तो सब लोग बच्चे लोग खुद ही खरीद लेते हैं, क्योंकि मेन चीज होती है ट्रेनिंग। अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी है और आपको जानकारी अच्छी है सभी चीजों के बारे में, अगर आपको इन्फॉर्मेशन हो जाती है तो मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं जी सर, और आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो आशीष जी के लिए बहुत सारी विशेष है मेरी तरफ से, ताकि सीख करके बहुत अच्छा काम तो कर ही रहे हैं, अब तो अच्छा काम करेंगे करेंगे, और इतना सारा सामान लेने के बाद जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हमेशा टेक्नीशियन जो होता है वो टेक्नीशियन को हमेशा अपडेट रहना चाहिए, नए नए प्रोफेशनल टूल आते हैं, नए नए गैजेट्स आते हैं, नए नए सारी डिवाइसेस आती हैं, उन सब चीज के बारे में उसके पास होना बहुत जरूरी है। एक उनके पास एक इससे क्या रहता है, उसके लिए एक बेहतर एक्सपीरियंस होता है, चार चीजें सीखने को मिलती है और आगे बढ़ने का मौका मिलता है, और जब नई नई चीजों को करते रहते हैं तो हम लोग खुद भी क्रिएटिव बने रहते हैं, अच्छा काम करते हैं। तो आसिफ जी बढ़िया है जी, तो आज तो तुम यहीं रुकोगे ना? जी आज रुकेंगे। हाँ ठीक है, आज तुम यहीं रुको और आराम से अपना बढ़िया से सारा सामान पूरा सेटअप ले लिया। आज पूरा दिन उन्होंने पैकिंग करी है, जब तो सुबह आए तब से एक मिनट भी नहीं बैठे हैं, तब से पूरा सामान इधर लेना उधर लेना सारा सब कुछ समझ लीजिए। जब इन्होंने मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम स्टार्ट किया था तो रिपेयरिंग करने के लिए समझ लीजिए ज्यादा से ज्यादा अगर टूल लिए होंगे तो 20-25 हजार रुपए के टूल लिए होंगे जी। लेकिन आज समझ लो आईसी का काम करने के लिए इन्होंने 25 हजार का स्पेशल टूल लिया जी सर, क्यों टूल लिया का पूरा 25 हजार रुपए का पूरा स्पेशल टूल लिया है। क्यों स्पेशल टूल लिया है? ताकि उनको अच्छा काम करना है। एक मोबाइल फोन के अंदर आईसी रिबोलिंग का समझ लीजिए, कॉमन सी बात मैं कहता हूँ, आईसी रिबोलिंग का मोबाइल फोन में 600-800 हजार रुपए भेजता है। मोबाइल फोन गिरने की वजह से डेड हो जाता है, मोबाइल फोन लोग फेंक देते हैं, ठीक नहीं होता, जबकि उसी आईसीयां निकाल के रिवॉल्व करते हैं मोबाइल फोन फट से चालू हो जाता है। तो मैंने भी किया सर, कई फोन कर चुके हैं, थोड़ी दिक्कत आती थी, माइक्रोस्कोप नहीं था तो प्रॉब्लम होती थी क्योंकि चीजें बहुत छोटी होती हैं, इसलिए काम नहीं हो पाता माइक्रो लेवल। मोबाइल फोन का सीपीयू रिवॉल्व करने का अपने एरिया में क्या पैसा लेते थे, क्या चार्ज करते थे आप? 1000+ मान लो, 1000+ मतलब एक मोबाइल फोन आता था उसका 1000+ चार्ज लेते थे ताकि मोबाइल फोन ठीक करके दे देते थे। लेकिन अब वहाँ पर प्रॉब्लम ये आती थी कि बहुत सारे फोन ऐसे होते जो हमारे हैंड से वापस चले जाते थे, जो वापस चले जाते थे तो हमको क्या दिक्कत होती, हमको लगता था कि यार कुछ चीजें हमारे पास ना होने के कारण से वजह से हमारा वापस चला जा रहा है। अब ये समझ लीजिए 25 हजार नहीं है, ये 25 मोबाइल फोन ठीक करने, 25 मोबाइल फोन ठीक करने सारा पैसा वापस। उसके बाद ये तो चीजें जिंदगी भर की, ये जो माइक्रोस्कोप है ना ये कभी नहीं टूटने वाला, ना फूटने वाला, ना खराब होने वाला, ना फूकने वाला, इसमें कुछ है ही नहीं। हमारा कुछ 3 साल से चल रहा है, आज तक नहीं फूका, कभी कुछ नहीं खराब होगा। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ खराब होने वाला आइटम ही नहीं है, हमेशा जिंदगी भर टूल एक बार ले लो मजबूत, हमेशा जिंदगी भर काम करो। तो ऐसे बढ़िया है, अच्छे से काम करो। शुक्रिया। और दोस्तों हम आप लोगों के लिए जो ये एमएमसी प्रोग्रामिंग के ऊपर वीडियो लेकर के आए हैं, आप वीडियो को अच्छे से वॉच करें, अच्छे समझे,
और ईटी के स्टूडेंट को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करें। आप अगर ज्वाइन करने से पहले आप कॉल जरूर करें, इन्फॉर्मेशन लें कैसे कैसे सीखा जाता है, क्या तरीका है। आसिफ जी मेरे पास आए थे, ये भी मेरे पास यूट्यूब से ही आए थे, यूट्यूब से ही आए थे सर, काफी टाइम से मेरे पास यूट्यूब से वीडियो देख रहे थे। वीडियो देखने के बाद फिर उन्होंने फाइनली ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किया। दूसरी बात क्या, पहले नए नए में सब आदमी को लगता है कि विश्वास नहीं होता, क्या होगा क्या नहीं होगा, कहीं धोखा तो नहीं हो जाएगा, नहीं, नहीं, कहीं नहीं, पैसा तो नहीं चला जाएगा, ऐसा तो बहुत सारी दिमाग में बातें होती हैं। लेकिन सर मैं इस लाइन में 18 साल से ट्रेनिंग करा रहा हूँ। एक बात का मैं आपको विश्वास के साथ में कहता हूँ कि मेरे पास दिमाग में किसी बच्चे के लिए चीट फ्रॉड का आज तक कभी जिंदगी में ऑप्शन नहीं रहा है। वो आता है बहुत अच्छी तरीके से सीख के जाता है, ये मेरी गारंटी है और ये मेरी जिम्मेदारी भी। हमारी टीम की तरफ से सभी स्टूडेंट के लिए इतना सपोर्ट रहता है कि हम चाहते हैं कि जो भी बच्चा आया है वो मेरा छोटा भाई की तरह है, वो अच्छा सीख करके बढ़िया तरीके से काम करे, सफल हो, इस तरीके से काम करे ताकि हमारा भी सीना चौड़ा हो जाए और अच्छी तरीके से काम करे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।